अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं कराची टुडे। इस वक्त एक फौरी जो है अपडेट सामने आई है, जिसके अंदर आज हमने उसको भी सेगमेंट का हिस्सा बनाया है। मुख्तलिफ जगहों पे भी वाकया सामने आ रहे थे। आप ये जो फुटेजेस देख रहे हैं, गुलिस्तान जौहर थाने के बाहर के इलाके की है, जहाँ पर अब से कुछ देर पहले जो है वो इतलात मौसूल हुई कि जी कुछ लोगों ने हमला किया है। उसके बाद तफसीलात आना शुरू हुई और पता चला कि मुबीन तौर पर वकला बरादरी है और पुलिस का जो है वो टकराव हुआ है। लाठी का एक दूसरे के ऊपर आज़ादाना इस्तेमाल किया गया है। आखिर मामला क्यों इस नहज तक पहुँचा, इसकी तफसीलात नाज़रीन आप तक पहुँचाते हैं हमारे क्राइम रिपोर्टर ताहिर अब्बासी, जिन्होंने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है। जी ताहिर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं, पुलिस एहलकार इस वक्त हमें जख्मी नजर आ रहे हैं। शुक्रिया अली साहब, ये जिला चरखी का गुलस्तान जौहर पुलिस स्टेशन है जो इस वक्त एहतजाज का मरकज बना हुआ है। वकला की एक बहुत बड़ी तादाद है जिसने सड़क बंद कर दी है। मामला कुछ यूं है कि गुलस्तान जौहर पुलिस स्टेशन में एक साहिल आया जिसने अपना तारुफ कराया और ना ही वो इस तरह की यूनिफॉर्म में था कि लिबास से उसकी शनाख्त हो सके। तहम उस शख्स ने एकदम एसएचओ का पूछा और वो साइड रूम में दाखिल हो गया जो खिलाफ जाब्ता भी है। पुलिस के बाद में पूछने के बाद और सख्ती से निमटने के बाद मालूम हुआ कि ये शख्स वकील है, जिसके बाद तांता बंधा सादा लिबास वकीलों का और इस वक्त बहुत बड़ी तादाद है जो गुलिस्तान जौहर में वकला की मौजूद है। इन्हें लीड कर रहे हैं हासिम हाई कोर्ट के रुकन है कादर राजपर, वो इन्हें लीड कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी तादाद है एसएसपी ईस्ट और डीआईजी जिला शर्की इस पूरे मामले को देख रखे गए हैं। थानेदार हैं इंस्पेक्टर राजा तनवीर, उनसे भी हमारी बात हुई है। उनका यही बताना है कि बदतरीन तशद्दुद किया गया है पुलिस अफसरान पर, अमले पर दरवाजा तोड़कर वकला अंदर दाखिल हुए गए और इस सूरत हाल से जब निपटने की कोशिश की गई तो वकला की जानिब से इस अमल को पुरतशद्दुद करार दिया गया और अब पुलिस के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। यह सिलसिला कराची में पहली बार नहीं हुआ, ये माजी में भी होता रहा है और चंद रोज कबल गुलस्तान जौहर के अलावा डिफेंस पुलिस स्टेशन में भी यही अमल हुआ था कि एक वफाकी हसास इदारे के साथ मुठभेड़ हुई तो उसका गुस्सा कराची पुलिस पर उतारा गया था। रात गए पुलिस के अमले पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। आज फिर ये एक दूसरा वाकया चंद रोज में भी हमारे सामने आया है। गुलस्तान जौहर में जो इस वक्त सिचुएशन है पुलिस उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। जो मैं तस्वीर देख रहा हूँ स्क्रीन पे, जो वीडियोस चल रही हैं उसमें तो कोई यूनिफॉर्म में नजर नहीं आ रहा, इसमें कौन वकील है, कौन शरपसंद अनासिर है, इसका भी तायुन करना मुश्किल है। लाठी सिर्फ हाथ में पकड़कर पुलिस एहलकारों पर चलाई जा रही है तो ये कैसे शनाख्त किया जाएगा कि आया ये कोई वकला बरादरी भी है और ये कानून कैसे हाथ में लिया जा सकता है, इसके ऊपर पुलिस अफसरान का क्या कहना है। अली साहब, कराची के जो थाने हैं हमारे की इंतहाई गैर महफूज हैं, ना तो एंट्री और एग्जिट चेक पोस्टों पर कोई भारी नफरी होती है और ना ही आने और जाने वाले अफराद से जो है वो कोई शनाख्त कलम बंद कराई जाती है। ये हालत है हमारे कराची के पुलिस स्टेशन की। एक वीडियो में हमने देखा कि एक 12 से 15 अफराद हैं जो जबरदस्ती थाने में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। उस वीडियो में वाजे तौर पर देखा जा रहा है कि जब पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो वकला जो कि सादा लिबास शलवार कमीजों में मलबूस है, इनकी जानब से जबरदस्ती अंदर दाखिल होने की कोशिश की गई और रोकने पर पुरतशद्दुद अमल इख्तियार किया गया है। जो इस वक्त सूरत हाल है, जिला शर्की के हुकाम है वो इसे निपटने के लिए, इस पर फौरी काबू पाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। वकला और पुलिस पर रबता भी हुआ है, रेंजर्स की बारी नफरी भी यहाँ तलब कर ली गई है। पुलिस इस पूरे मामले को इंतहाई संजीदगी के साथ निपटने और इसे खत्म करने की कोशिश में मसरूफ है। अब तक ताहिर अब्बासी कितने लोग जख्मी हो चुके हैं, पुलिस एहलकार और वकला बरादरी की जानिब से क्या इत्तला मौसूल हो रही हैं और इसको इस वक्त की क्या ताज़ा तरीन सिचुएशन है। अब जो ये लड़ाई झगड़े की सूरत हाल है वो खत्म हो चुकी है, इस वक्त क्या ताज़ा तरीन अपडेट्स आप तक पहुँच रही हैं। अली साहब, जो इस वक्त गुलस्तान जौहर के थाने के बाहर की जो मरकजी सड़क है वो वकला ने बंद कर दी है और वहां एहतजाज हो रहा है गुलस्तान जौहर पुलिस के खिलाफ। पुलिस के दो मुलाजमीन हैं जिनके जिन्हें चेहरों पर चोटें आई हैं, जिनका खून निकला है, उन्हें तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जबकि जो वकला है उनमें से कोई किसी के भी जख्मी ना होने की इतलाक है। पुलिस का बताना यह है कि ये वो अफराद थे जो कि साहिल बनकर आए थे, इनसे इनकी जब शनाख्त पूछी गई तो सूरत हाल बिगड़ी है और इस सूरत हाल को निपटने और बेहतर बनाने के लिए कराची पुलिस की जिला शर्की के जो हुकाम है वो माहिराना अंदाज इख्तियार किए हुए हैं। टेबल टॉक के जरिए टेलीफोन कॉल पर फार्म तफीम के साथ इस मामले को खत्म करने के लिए जो है वो पुलिस ने रास्ता इख्तियार किया है। पुलिस हुकाम और वकला के दरमियान रब्ता भी हुआ है। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के रुकन है कादिर राजकर, वो भी इस वक्त थाने पहुंच चुके हैं। पूरा मामला जिला शर्की के जो एसएसपी ईस्ट है वो इस मामले को लीड कर रहे हैं।
बहुत शुक्रिया ताहिर अब्बासी, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। गुलिस्ताने जौहर थाना है जिसके बाहर इस वक्त एहतजाज जारी है। बताया जा रहा था कि जी वकला बरादरी आई थी, उसके बाद तल कलामी हुई, तल कलामी की सूरत हाल में इंतहा बनकर ये सूरत हाल, उसका नतीजा ये निकला कि वहाँ पर इस वक्त एहतजाज चल रहा है। लाठियों का जो अजदाना इस्तेमाल है वो किया गया है। तहम जो पुलिस के आला अफसरान हैं और वकला बरादरी जो बाहर के लोग हैं वो बैठ कर इस मसले को हल करने के लिए एक दूसरे से राबता और मुज़ाकरात शुरू कर दिए हैं और यकीन दहानी करवाई गई है कि इस सूरत हाल को काबू कर लिया जाएगा और साथ ही पुरअमन तरीके से मुंतशिर कर दिया जाएगा मुजाहिरीन को। तहम इसकी हम मजीद अपडेट्स भी नादरीन अपने शो में यकीनी तौर पर उसको हिस्सा बनाएंगे और बताएंगे कि आखिर मजीद मामला क्या निकला। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक पे जा रहे हैं, फिर हाजिर होते हैं।